नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा भारत होम्योपैथी से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किडनी पेशेंट चाय का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है। चाय एक ऐसा ड्रिंक जिस पे इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हर कोई आमतौर पे सुबह उठकर खाली पेट या दिन भर में कई बार चाय का सेवन करता है, बट क्या आप जानते हैं कि ये जो हैबिट है आपकी, ये बहुत खतरनाक है। इट्स अ वेरी वेरी बैड हैबिट। चाय में कुछ भी न्यूट्रिशियस नहीं होता, ना कुछ प्रोटीन होता है, ना विटामिन्स होते हैं, ना मिनरल्स होते हैं। ये किसी भी तरीके से कोई हेल्दी ड्रिंक नहीं होता है। चाय में कैफीन होता है। कैफीन एक्चुअली एक डिपेंडेंट सब्सटेंस होता है। कैफीन पी के पेशेंट को ये लग सकता है कि आई एम एनर्जाइज्ड, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, पूरे दिन के लिए मेरे में एनर्जी आ गई है। और चाय पीने से आपको ऐसा महसूस होता है क्योंकि चाय में कैफीन की मात्रा होती है। चाय एक्चुअली एक एसिडिक ड्रिंक है। चाय पीने से गैस्ट्रिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। गैस बनना, ब्लोटिंग हो जाना, पेट भरा भरा महसूस होना, एसिडिटी होना, जिसे हम आम भाषा में खट्टी डकार बोलते हैं, ये सारे सिम्टम्स चाय की वजह से आते हैं। चाय पीने से शुरुआत में लोगों को लगता है कि मेरा पेट साफ़ हो रहा है, कि चाय पिए बगैर तो हमारा पेट ही साफ नहीं होता, बट ये शुरुआती टाइम में होता है। जब आप रेगुलर चाय पीना शुरू कर देते हैं तो चाय पीने से एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, यानी कब्जियत की शिकायत होती है। चाय पीने से और भी बहुत सारी समस्या होती है। चाय पीने से बीपी शूट कर सकता है, शुगर फ्लक्चुएशन, ऑब्वियसली चाय में मिल्क भी डलता है, चीनी भी डलती है, जिसकी वजह से आपके शुगर में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। तो चाय किसी भी तरीके से हम हेल्दी ड्रिंक कंसिडर नहीं करते हैं, बट बहुत सारे लोग चाय पे डिपेंडेंट है। और जब आप किडनी पेशेंट है तो हर पेशेंट हमसे आके ओपीडी में पूछता है कि मैम चाय की आदत को कैसे छोड़ें, चाय पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। चाय किडनी पेशेंट में बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं होता है। आपको चाय का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये एक डैमेजिंग ड्रिंक है। अगर आप चाय पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं तो हम आपको चाय का सब्स्टिट्यूट बता सकते हैं। आप सुबह सुबह गर्म पानी को बॉईल करके पी सकते हैं। जब वो ठंडा हो जाए उसको सिप सिप करके पीजिए, तो वो एक तरीके से आपको चाय का सब्स्टिट्यूट मिलेगा। अगर इससे भी आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है कि नहीं, इससे भी लग नहीं रहा कि मेरी चाय का सब्स्टिट्यूट अच्छा मुझे मिला है, तो आप चाय नॉर्मल पानी में तुलसी के पत्ते उबाल के पी सकते हैं। उससे क्या होगा, ये एक्चुअली एक हेल्दी और अल्कलाइन ड्रिंक है। इससे जो आपकी एसिडिटी और गैस्ट्रिक सिम्टम्स है वो थोड़ा सा सबसाइड होते हैं। और यही करना है, एक बड़े ग्लास में तुलसी के पत्ते उबाले और जब तक पानी आधा नहीं रह जाता तब तक उसको उबालते रहिए। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको सिप सिप करके आप पीजिए। तो इन दोनों तरीके से आप अपनी चाय की हैबिट छोड़िए। और चाय एक हेल्दी ड्रिंक नहीं है, आपको चाय का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। धन्यवाद।